डी स्टूडेंट्स हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वर्क मोटिवेशन है आपको मालूम है कि मोटिवेशन के बगैर कोई भी डिजायर्ड रिज़ल्ट आप अचीव नहीं कर सकते मोटिवेशन बेसिकली है क्या मोटिवेशन इज द रिज़ल्टशन बिटवीन पर्सन एंड आ सिचुएशन एक सिचुएशन के अंदर एक शख्स की जो से इंट्रैक्शन होती है उसको किस तरह वो लीड करता है इसको हम लोग बेसिकली मोटिवेशन कहते हैं इट इज़ नॉट अ पर्सनल ट्रेट एक इंसान की खूबी नहीं है कोई शख्स भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए जो अपना बिहेवियर शो करता है उस डायरेक्शन की तरफ उसे मोटिवेशन कहते हैं वट इज मोटिवेशन मोटिवेशन के अंदर ये तीन चीज़ों का होना लाजम है इम्प्लॉज का अनर्जी लेवल एम्प्लॉयज़ की डायरेक्शन और परसिस्टेंट बिहेवियर अगर एम्प्लॉय में एनर्जी नहीं है इंटेंसिटी और ड्राइव नहीं है तो वो किस तरह ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करेगा और डायरेक्शन एम्प्लाई की डायरेक्शन इट मस्ट बी क्लियर इम्प्लाई की डायरेक्शन डिपार्टमेंट की डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन ये तीन चीज़ें इन अलाइन होनी चाहिए परसिस्टेंट एग्जिंग एफर्ट्स टू अचीव गोल अगर आप लोग एफर्ट पुट नहीं कह रहे तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं होंगे जब ये तीन चीज़ें इकट्ठी होंगी तो डी स्टूडेंट्स इसको हम लोग मोटिवेशन बोलते हैं मोटिवेशन के ऊपर बहुत सी थेरीज डेवलप की गई हैं जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरीज दर्ज झेल हैं जिसमें मैजलो हरारती ऑफ नीड है मैक ग्रैगर थेरी ऑफ नीड है मैक ग्रैगर के बाद हजबर्ग टू फैक्टर थेरी है मैक थ्री नीड लेवल बेसिकली थेरी है अब ये जो फोर थेरीज हैं इनका तल्लक मोटिवेशन मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करना मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करने के बाद अप्लाई करना और इम्प्लॉज के अंदर मोटिवेशन लेवल डेवलप करना के साथ मैजलो हजारकी नीड इसका मुकम्मल नाम बेसिकली इब्राहम मैजलो है इसका तल्लक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ है इसने हमें बहुत बुनियादी थेरी दी जिसको हम लोग मैजलो हजारतीफ़ नीड कहते हैं अब इस नीड को अगर हम लोग डायग्रामेटिकली डी स्टूडेंट्स देखें तो इस नीड के बेसिकली फाइव लेवल हैं अब इसके अंदर जो फाइव लेवल हैं वो यहाँ पे दर्ज झैल हैं पहले नंबर पे फिजियोलॉजिकल नीड दूसरे लेवल पे सेफ्टी नीड देन सोशल नीड सेल्फ एस्टीम सेल्फ एक्चुलाइजेशन अब ये जो पांचों लेवल हैं इनको वन बाय वन हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल नीड डील्स इन बेसिक नीड जिसमें फूड शेल्टर क्लॉथिंग है सेफ्टी सेकंड लेवल है जब फर्स्ट लेवल फुलफिल हो जाएगा तो सेकंड लेवल पैदा हो जाएगा जब सेकंड लेवल फुलफिल हो जाएगा तो फिर इंसान माशरे में रिकग्निशन चाहता है सोसाइटी के साथ इंट्रैक्शन चाहता है तो उसकी सोशल नीड डिवेल्प हो जाती है जब ये तीन लेवल मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर वो उसके बाद अगले लेवल पर चला जाता है सेल्फ एस्टीम जहां पे जाके उसका एक मुकाम मुआरे में बन जाता है वो अपने रिकग्निशन चाहता है और जब ये सारे लेवल नीड के फुलफिल हो जाते हैं तो लास्ट में उसकी सेल्फ एक्चुलाइजेशन नीड डिवेल्प होती है जब उसे रियलाइज होता है इज ऑफ क्रिएशन तो ये जो पांच चीजें हैं इनको हम लोग मैचलो ऑफ नीड बोलते हैं इसके बाद मैं ग्रेगर थेरी है नीड के मुतल जिसमें उसने एक्स एक्स एंड वाई हमें दी है ही दैट वर्कर्स हैव लिटिल थे डिसलाइक वर्क अवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिक्वायर क्लोज सुपरविजन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लोज सुपरविजन के जब तक इम्प्लाईज के ऊपर सुपरविजन नहीं होगी वो काम नहीं करेंगे ये थेरी एक्स है और थेरी वाई बेसिकली एज्यूम करती है कि इम्प्लाई के ऊपर अगर सुपरविजन ना भी हो तो वो काम करेंगे ये थेरी वाई है अब ये दोनों थेरीज ऑर्गेनाइजेशन टू आर्गेनाइजेशन डिफर कर सकती हैं लेकिन इनके एजम्पशन ये हैं मोटिवेशन इज मैक्सीम बाई पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग इंटरेक्टिंग जॉब एंड गुड ग्रुप रिलेशनशिप अब इंटरक्टिंग जॉब के अंदर जॉब का इंटरेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इम्प्लाई का जॉब में इंटरेस्ट नहीं है तो कभी भी डिजायर गोल अचीव नहीं कर सकता